अगर एक तरफ आपको गोरी स्किन मिल रही हो और एक तरफ आपको हेल्दी स्किन मिल रही हो तो आप किसको चूज करेंगे? आई एम डैम श्योर 99% लोग ना फेयर स्किन की तरफ भागेंगे, मगर फेयर स्किन हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। अगर उसमें डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, पिंपल्स ये सारी चीजें हो तो भी वो खराब लगेगी। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो फेयर स्किन हर किसी को चाहिए एंड उसके लिए ना हम लोग बहुत सारी चीजें भी ट्राई करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे DIYs। एंड आई एम डैम श्योर कि हम में से कई सारे लोग जब पैदा हुए होते हैं ना तो उनकी स्किन इतनी ज्यादा डार्क नहीं होती है, बट धीरे धीरे जैसे हम अपनी स्किन को निग्लेक्ट करते चले जाते हैं ना, हमारी स्किन का कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे और डार्कर होता चला जाता है। हमें कॉलेज में सांवला, कल्लू, पता नहीं क्या क्या ताने सुनने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी अमेजिंग सी DIY रेमेडी जिसको आपने अगर अप्लाई कराना हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक महीने के लिए, यानी कि 4 बार आपने अगर अप्लाई किया ना उसको, तो आपकी स्किन का शेड जो है वो 2-3 लाइटर हो जाएगा। मैं गोरे होने के लिए गारंटी नहीं दे रहा, बट हाँ जब आप पैदा हुए थे जो आपका स्किन शेड था ना वैसा ही हो जाएगा, उसको लाने में वो काफी हेल्प करेगा। सो बहुत ही अल्टीमेट वीडियो होने वाला है, मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी जो कॉलेज की फोटो जिसमें मेरी स्किन इतनी ज्यादा काली हो गई थी, मैं कुछ भी सनस्क्रीन वगैरह यूज नहीं करता था क्योंकि उस टाइम पे 2010-11 के टाइम पे ना सनस्क्रीन तो चलती ही नहीं थी, एंड अगर चलती भी होती थी ना तो हम लोग को पता नहीं होता था और वो ऐसा लगता था कि इट्स अ लग्जरी प्रोडक्ट और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो सनस्क्रीन तो हमने कभी अप्लाई नहीं करी थी जब मैं कॉलेज टाइम पे था। तो उस टाइम पे मेरी स्किन इतनी ज्यादा डैमेज हो गई थी कि ओवर द 4-5 ईयर्स तक ना वो बहुत ज्यादा डार्क होती ही चली गई। उसके ऊपर मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी, जैसे मैंने ब्लीच अप्लाई कर लिया, बहुत सारी यूट्यूब से देख करके रेमेडीज अप्लाई कर ली, कोलगेट ये वो, और मेरी स्किन और ज्यादा डैमेज होती चली गई। बट DIYs जो होते हैं ना वो धीरे धीरे असर करते हैं, बट अगर आपने उनको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। तो ऐसी एक DIY है, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको चाहिए आलू, बहुत ही काम का होता है आलू और ये सबके घरों में मिल जाता है। तो इसको आपको क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है, कद्दूकस आप मम्मी से बोल दो या खुद कर लो। इसके बाद किसी छन्नी से, कपड़े से या फिर जो इससे हम नींबू निचोड़ते हैं ना उससे भी आप कस के प्रेस करोगे ना तो आलू का जूस निकल आएगा, 2-3 चम्मच निकल जाएगा ना एक आलू से, इट इज इनफ फॉर यू। इसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा कॉफी पाउडर, 1 चम्मच कॉफी पाउडर ऐड करोगे तो इट विल बी फाइन। इसके बाद इसमें आपको ऐड करना है 1/2 चम्मच हनी, दैट्स इट। इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लो एंड इस टाइप का पेस्ट रेडी हो जाएगा। आलू के अंदर एक्चुअली ना ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है क्योंकि आपकी स्किन का जो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है ना उसको लाइटर करने में काफी हेल्प करता है। कॉफी आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करती है एंड हनी आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। इसे आपको अपने फेस पे जहां जहां पे भी आपकी डार्क स्किन की प्रॉब्लम है ना, जैसे कि नेक का एरिया, नकल का एरिया, कुहनी, इफ यू वांट यू कैन अप्लाई इट ऑन योर प्राइवेट पार्ट एज वेल, बट एरिया पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड इसको आपको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ी तरह से ड्राई नहीं हो जाता है। ड्राई होने के बाद थोड़ा सा इची हो जाएगा, जैसे एक पील ऑफ मास्क होता है ना वैसे टाइप का बन जाएगा। इसके बाद आपको करना है वाइप, जैसे ही आप वाइप करोगे ना आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिखने मिल जाएगा, एकदम ब्राइट, एकदम शाइनी स्किन आपकी बन जाएगी, ऐसा लगेगा कि आपने कुछ ब्लीच कराया हुआ है एंड ये नेचुरल ब्लीच का काम करेगा तो आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और इसे आपको यूज करना है हर हफ्ते, संडे टू संडे आप अप्लाई करोगे ना तो एटलीस्ट 1 महीने के लिए आपको उसको यूज करना ही है टू सी अ विजिबल रिजल्ट। तो ये तो था DIY रेमेडी। अब इसके साथ साथ ना मैं आपको कुछ हैक्स भी बताता हूँ, स्किन केयर हैक्स, जो कि डेफिनेटली आपको फॉलो करना है अगर चाहते हो कि ये रेमेडी अच्छा से काम करे। पहला है, जब कभी हम फेस वॉश करते हैं या फिर पानी से ही क्यों ना धो रहे हो तो अपने हाथों को जरूर वॉश करो, क्योंकि हाथों पे बहुत ज्यादा गंदगी होती है, जर्म्स होते हैं एंड वही हमारे फेस पे चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम भी होती है। 2:1 का मेथड आपको अप्लाई करना है हमेशा फेस वॉश करते टाइम। 2:1 इज कि जब 20 सेकंड तक आपको हाथों में झाग बनाने हैं एंड 10 सेकंड तक अपने फेस पे आपको उससे सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, जिससे कि आपके फेस पे जो साबुन है या फिर जो लैदर है ना वो कम से कम टाइम के लिए रहे, जिससे आपका फेस अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा एंड आपके अगर फेस वॉश में कोई केमिकल्स, पैराबीन्स भी होंगे ना तो वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे। ब्लैक हेड एंड ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती है, इसके लिए अपना आइसिंग जरूर अप्लाई करो, बेस्ट रेमेडी है, ये काम करती है। चेंज योर पिलो कवर्स एटलीस्ट 1 वीक। पिलो कवर से मुंह हमारा सीधे टच में आता है जिसकी वजह से एक्ने, पिंपल भी हो जाते हैं। तो अगर पिलो कवर गंदा होगा तो बहुत ज्यादा हमारी स्किन डैमेज भी होगी, तो इसलिए 1 वीक पिलो कवर को चेंज भी करो। लास्ट इज कि अपने आप को हाइड्रेट रखो, एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन ए डे जरूर पियो। आई नो विंटर्स में पानी पीने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ये रिमाइंडर देना कि आपको हाइड्रेटेड रहना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस ये थी कुछ ऐसी स्किन केयर हैक्स एंड जो मैंने DIY रेमेडी बताई है ना, यू शुड डेफिनेटली ट्राई अगर आपको डार्क स्किन की प्रॉब्लम हो रही है। आप इसको हर जगह अप्लाई कर सकते हो, अपने पूरे बॉडी में भी अप्लाई कर लोगे ना ज्यादा क्वांटिटी में बना करके, इट वोंट गिव यू अ सिंगल हार्म। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, bye.